असलम आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एल एल वी पार्ट थ्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमारा सब्जेक्ट है ठीक है इसका टॉपिक है सबसे इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका अक्सर क्वेश्चन पेपर में आ भी जाता है मतलब व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन इट काइंड्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और उसकी कौन कौन सी काइंड हैं अच्छा सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बायर्स ठीक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट और अ नेशन कंसिस्ट ऑफ दोज रूल्स और लॉज विच डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ठीक है वो रूल्स और रेगुलेशन वो लॉज जो डिटरमाइन करते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है रेजिडेंशल है पार्लियामेंट्री है मनार्की है क्या है ठीक है एंड रिस्पेक्टिव राइट्स और ड्यूटीज ठीक है और रिस्पेक्टिव राइट्स और ड्यूटीज ऑफ गवर्मेंट टूवर्ड सिटीजन गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज हैं सिटीजन के खिलाफ सिटीजन के साथ एंड अटीजन टूवर्ड गवर्नमेंट गवर्मेंट सिटीजन की क्या ड्यूटीज हैं गवर्नमेंट के तरफ और गवर्मेंट क्या ड्यूटीज हैं सिटीजन की तरफ कि गवर्नमेंट ने क्या करना है और सिटीजन ने क्या करना है इंटरप्रटेशन ऑफ द वर्ड

अंडरस्टैंडिंग कन्वेंशन और कस्टम्स ठीक है आप मतलब अगर ये उसको ब्रॉडर सेंस में देखें तो कस्टम्स भी इसमें आ जाएंगे लीगल रूल्स भी आ जाएंगे इसमें मतलब रूल्स और जो अपलाइड प्रेसिडेंट्स होंगे वो भी आ जाएंगे कैश लॉज आ जाएंगे सारा कुछ आ जाएगा एंड द लजस्लेशन डन बाय पार्लीमेंट पार्लीमेंट जो लजस्लेशन करेगी वो भी इसी में आएगी ये एक इसका ब्रॉडर है ठीक है कि ब्रॉडर एक सेंस में अगर हम लोग इसको देखें तो उसके देख, बाद एक दूसरा जो हमारे पास है स्ट्रिक्ट सेंस सेकेंड इट इज यूज इन सम स्पेसिफिक सेंसेिस स्पेसिफिक मतलब एक स्पेसिफिकली एक देखा जाए विच इज अ नॉट अ जर्नल वो जर्नल में बट अ सिंगल एक्टिव डॉक्यूमेंट एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जैसे कि मतलब एक सिंपली एक डॉक्यूमेंट है मतलब ये डॉक्यूमेंट है ये हमारा कॉन्स्टिट्यून है ये एक्स्ट्रिक्ट सेंस में से यूज डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अस अ बॉडी ऑफ रूल्स और लॉज रिटर्न और अनरिटर्न बॉडी ऑफ रूल्स और लॉज भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है ऑर्गेनाइजेशन के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कैसे हुई है प्रेजिडेंशियल में हुई है यूनिटरी में है फेडरल में है क्या है एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट एज जनरल प्रिंसिपल ऑन विच द पावर्स ऑफ द आर टू बी एक्सरसाइज और ऐसे प्रिंसिपल्स बताती है जिसपे पावर्स को गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर रही है कि कैसे स्टेट की पावर्स काइंडस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इन दिस्ट्री कॉन्वेशन डेवलपमेंट देर हैव बीन डिफ्रेंट वराइटीज ऑफ कॉन्ट्टिट्यूशन डिफ्रेंट पार्टस ऑफ द वर्ल्ड कि मतलब डिफ्रेंट कॉन्टिट्यूशन रह चुके हैं डिफरेंट पार्टस ऑफ द वर्ड में ठीक ली। है एंड कैन भी क्लासीफाई डिफरेंटली डिफेंटली ने सबसे पहले हम बताया फ्लेक्सीब और रिजिड कॉन्टिट्यूशन फेडल और यूनिटरी कॉन्स्ट्यून रिपब्लिक एंड मोनारकल कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है ये हमारे तीन कटेगरीज उन्होंने बना दी इसके बाद सबसे पहले हम लोग देखें फ्लेक्सीबल और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों का सबको आपको कॉन्सेप्ट पता होगा पॉलिटिकल साइंस में हम लोग चीज़ें पढ़ आ चुके हैं फ्लेक्सीबल कैन भी लीगली चेंज विद द सम सेम विद द मैनर ऑफ द इधर इसमें बात यह है अगर देखें सिंपल जैसे लॉ मेकिंग होती है वो भी अगर उसी तरह कर दी जाए कि जिस तरह लॉ जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनमेंट की जाती है तो वो एक फ्लेक्सीबल कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पे अगर मतलब लॉ मेकिंग के लिए भी वही प्रोसेस होगा सिंपल लॉ मेकिंग के लिए भी वही प्रोसेस होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए होगा ठीक है अब फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज अनस्टेबल अनस्टेबल किस सेंस में हम इसे कह सकते हैं अनस्टेबल है ये ड्यू टू द कपैसिटी ऑफ डूइंग चेंजेस डूंगी है चेंजेस बट द सेम टाइम देर इज एडवांटेज एडवांटेज भी है दैट इट फेसिलिटेड ऑल नेसेसरी चेंजेस रिक्वायर्ड रिक्वयर्ड टाइम इकोनॉमिकल आइडियाज मतलब ये है कि एक एडवांटेज भी है कि वक्त के साथ साथ नए चेंजेस को एक्सेप्ट भी करता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आएंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज वो कहते हैं ये एक फ्लेक्सिबल है द फ्लेक्सिबल कंसिस्ट ऑफ द राइट ऑफ क्राउन एंड बोथ हाउस ऑफ आर आ्ड एंड मॉडिफाई एनी लॉ ठीक है पार्लियामेंट और राइट ऑफ क्राउन जो है को दो हाउसेस जो है वो मॉडिफाई आराम से लॉ को भी कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सीबल है सर्टन लॉज कैन नॉट भी चेंज अब जैसे हमने उसमें बात की इसमें जो है ना मतलब इसी तरह चेंज नहीं होंगे जिस तरह ऑर्डनरी लॉज होते हैं इसके लिए एक अलग होगा ठीक है दे कैन बी आल्टर्ड और अमेंड बाय स्पेसिफिक मशीनरी बाय प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर कोई होगी तो वो किसी और तरह चेंज होगी कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल लॉ मेकिंग होगी तो वो किसी और तरह होगी द रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एब्सेंस ऑफ एनी राइट ऑन द पार्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड मॉडिफाई द रिपील्ड एनी लॉ टर्म ऑफ फंडामेंटल ऑफ और ठीक है मतलब रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम करें एबसेंस ऑफ किस की एनी राइट किसमें राइट की कोई ऐसी चीजें नहीं होंगी डिफेंस बिटवीन रिजड एंड फ्लैक्सीबल कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम बात करें ना तो आप सबसे पहले हम चीजें आई फॉलोइंग के डिफ्रेंस होंगे एज अ पॉसिबिलिटी चेंजिंग जैसे उन्होंने पहले बात की कि सिंपल लॉ मेकिंग वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि सिंपल लॉ मेकिंग अगर सिंपल जो लॉज है उनकी तरह अगर चेंज नहीं किया जाएगा तो वो फ्लेक्सीबल है ठीक है पर अगर उसी तरह मतलब उनको एक ही जैसे चेंज किया जाएगा तो वो फ्लेक्सीबल है और उसको एक तरह चेंज नहीं किया जाएगा तो उसमें यही चीज लिखी है आप पढ़ने बेचक इससे और कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द सर्टन लॉज विच आर कॉन्टिट्यूशन फंडामेंटल कैन नॉट भी चेंज लाइक ऑर्नर लाइज लाइक ऑर्नर लॉज फंडामेंटल एंड ऑर्डनरी लॉइन रिजिड कॉन्स्टिट इज अ डिफरेंस बिटवी फंडामेंटल एंड ऑर्नरी लॉज विच कैन नॉट भी चेंज बाई ऑर्ननी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग वही अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यशन वन ऑफ द ऑल लॉज ऑल भी ऑर्डर सेम मशीरी ठीक है सेम मशीनरी मतलब वही मशीनी उसको चेंज करती है और वही कॉन्स्टिट्यशनवेंट करती है और वही जो है सिंपल लॉ मे करती सॉवरेंटी ऑफ लेजिचर इन रिजिट कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर नॉन सॉवरन लॉ मेंग ठीक है रेजिड कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियमेंट जो है वो लॉ मेकिंग नहीं होती है बॉडी लॉ मेकिंग नहीं होती है एज इट्स पावर इज बिंग डिफाइंड द फंडामेंटल लॉ ठीक है फंडामेंटल लॉ में इसकी पॉवर है वेयर एज इन फ्लेक्सीबल कॉन्स्टिट्यूशन लैजिस्लेचर इस सॉवरन एज हैज एज अ पावर ऑफ मेकिंग एंड आल्टरिंग रिपेयरिंग ठीक है मतलब फ्लेक्सीबल कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट होती है वो एक सॉवरन अथॉरिटी होती है ठीक है उसके अंदर इंक्लूडिंग इट सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स पावर्स ऑफ द कोर्ट्स प्रोनाउंस ठीक है अब रेजिड कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना कोई भी जो जुडिश्री है या कोई भी बॉडी है वो जो मतलब ऐसी बॉडी है वो उसको लॉ मेकिंग को लॉ को इनवेलिड और जुडिशियल रिव्यू का चक्कर होता है वो वहाँ पे होता है नाल और वाइट डिक्लेयर कर सकती है जैसे कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है और फ्लेक्सीबल कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता जैसे कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन में है और वहाँ पे वो अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकते एज एज द टू द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल के राइट्स एंड इंडिजुज कौन द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल आर डिफाइन एंड फॉलो इन द रिटन डॉक्यूमेंट और इंडिविजल के राइट्स फॉलो डॉक्यूमेंट्स में हैं ठीक है अब ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में होता है कॉन्स्टिट्यूशन इट सेल्फ इज इस बेस्ड इसका मतलब यह है कि इसका जो, जो फ्लेक्सीब कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ही किसका करता है फंडामेंटल राइट्स पे बेस्ड करता है अब दो तरह के मैं कॉन्स्टिट्यूशन आएंगे फेडरल एंड यूनिट्री द्लासफिकेशन बेस्ड प्रिंसिपल बाई विच द पॉवर्स ये अब किसपे पावर्स गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं किस में सेंट्रल uh, गवर्नमेंट में और फेडरेटिंग यूनिट्स जो होंगे या प्रोवेशनल गर्व होंगे उनके दर्मान फेडलिट्यूशन अंडर द फेडरल कॉन्स्टिट्यून देर इज अम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पॉवर बिटवी सेंट्रल एंड लोकल यूनिट्स के दर्मान होंगे ठीक है लोकल्सिपेंडेंट विद वो इंडिपेंडेंटेंटेंटेंटेंट होते हैं ठीक है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इट्स ऑन स्वये ऑफ ऑपरेशन ठीक है स्वयर ऑपरेशन है वाइलरटिंग और गवर्न बाय देयर ऑन लाइज फोर्ड यूनिट जो होते हैं वो उनके अपने लॉज होते हैं ठीक है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विजरलैंड हो गया हमने पढ़ के हैं ऑस्ट्रेलिया हो गया एंड इंडिया हो गया ठीक है इसके बाद हम लोग यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे यूनिट्री कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेटर ऑफ द होल कंट्री सुप्रीम लॉ मेकि लेजिस्लेटर होती है वो सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी होती है और लोगों को दूसरी जो लेजिलेटर ब्रांचेज होती हैं उनको कह सकती है कि आप हमें सबॉर्डिनेट कर सकते हैं इन यूनिटरी पावर आर एजॉय बाई सल गर्मेंट सेंट्रल गमेंट सारी पावर्स एन्जॉय करती है ठीक है जो फेडरल और वो उसको असिस्ट करती है जो फेडरल यूनिट्स को भी उनकी सबार्डिनेट रहती है जैसे न्यूजीलैंड फ्रांस और साउथ अफ्रीका ठीक है अब रिपब्लिकन और मोनारकल सिस्टम में कॉन्स्टूशन आसम टाइम क्लासिफाइड है रिपब्लिकन मनारकल सिस्टम दिस डिस्ट दिस डिफरेंस इज दिस दिस डिफरेंस इज डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलर और डेमोक्रेटिक ठीक है पॉपुलर और डेमोक्रेटिक में ये, जो मतलब और डिकटेटरशिप में अपोज टू डिक्टेटरशिप होती है ठीक है अब मतलब जो रिपब्लिक फॉर्म रिपब्लिक फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रजेंटेटर्स और आर इलेक्टेड थ्रू द पॉपुलर वोट में जैसे मतलब आपको पता है कि रिपब्लिक फॉर्म का डेमोक्रेटिक फॉर्म जहां पर डेमोक्रेसी होती है ठीक है डेमोक्रेसी होती है डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर ठीक है मतलब और पाकिस्तान जैसे कि जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है उसके बाद मनारकिल अगर हम सिस्टम की बात करें मोरकल कॉन्स्टिट्यूशन देर ए नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी वहाँ पे कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी का नहीं होता एंड सिस्टम एडोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश होती है जैसे डिक्टेटरशिप होती है देर इज एड हेरेडिटरी ऑफ द सिस्टम रॉयल फैमिली जैसे रॉयल फैमिली जैसे सऊदी अरेबिया में होता है कि मतलब ये किंग है इसका जब ये मर जाएगा तो उसका बेटा होगा इसका जानशीन होगा वो जो वो चक्कर चलता है किंग क्वीन वाला चक्कर वहाँ पे होता है और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के पास दोनों फ्लेवर हैं रिपब्लिकन भी है और मनार्किल भी है ठीक है मतलब ये अब हमने देखा जी कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन कारण बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इसके बाद हम लोग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का इससे लेकर चलेंगे थैंक यू वेरी मच